सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स फैमिली को और दबाइए सामने लगे बेल आइकन को ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा अपना सेटअप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने आपके रा पैरट्स का पेयर है। मैंने बिल्कुल छोटे से बच्चे लिए थे और अब इनकी एज तकरीबन 1 साल है। ये टेम एंड टॉकेटिव पेयर है मेरा, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी आपको दिखाता हूँ, ये सामने केज पड़े हुए हैं बाकी मेरे। ये आपको पहले वीडियो बना के दिखाई थी जब मैंने परचेज किए थे, ये 2 केज मैंने लिए थे। ये तो अभी फ़िलहाल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इसके बर्ड्स अभी तैयार हो रहे हैं। ये देखें, ये नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह, फिर इस पर केज बाय केज लगाएंगे ब्रीडिंग के लिए। वो वाला केज अभी खाली है इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों में पूरे आ जाएंगे। बाकी कुछ बर्ड्स और परचेज करेंगे और इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल एक ब्रीडिंग सेटअप लगाएंगे। तो बाकी ये ऊपर देखें आप, ये पेयर, ये अभी न्यू पेयर मैंने बनाया है, अभी बना नहीं है, पेयर छोड़ा हुआ है, अभी क्रीज वगैरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ये इधर ब्रीडर पेयर है, आपको पता होगा जैसा कि मेरा ये वाला, तो मेरा ब्रीडर पेयर है। आपको मैंने इसकी ब्रीड पहले जो दिखाई थी वो इसी पेयर की ब्रीड थी, 2 क्लच। तो आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो फिलहाल अभी मेरा सेटअप इतना ही है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं सेटअप अपना ज़्यादा करूँगा आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये पेयर ने भी 3rd क्लच नहीं किया, 2 क्लच इसने इस सीज़न में किए हैं, तो क्रीज वगैरह करने लग पड़ा है। 3rd क्लच भी इसने कर देना था यार, बस गर्मी काफ़ी हो गई इसी वजह से इसने 3rd क्लच नहीं किया, तो मैंने भी इतनी कोशिश नहीं की। बाकी फ़िलहाल मेरा सेटअप इतना ही है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं अपना सेटअप ज़्यादा करूँगा तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।